केंद्र सरकार ने बिहार के लिए, विकास के लिए, बिहार के नए उत्थान और बिहार के विकसित बिहार बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उसमें आज 26,000 करोड़ एक्सप्रेस वे बनाया गया है, बाढ़ से मुक्ति के लिए, नहरीकरण के लिए, युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का, गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की गई है। और इससे बिहार को पूरा लाभ होगा। पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने जो गरीब, युवा, किसान, महिला के लिए कहे थे, वह बजट में साफ झलक रहा है। और यह बजट भारत को विकसित भारत बनाने, बिहार को विकसित बिहार बनाने का एक बड़ा ही नींव रखा गया। मुख्यमंत्री जी ने भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जो पैकेज की बात होती थी वो तो है, कहीं ना फाइनेंशियल एड भी दिया। निश्चित तौर पर कांग्रेस के समय में ही विशेष राज्य के दर्जा को इन लोगों ने टेक्निकल रूप से खत्म कर दिया है बिहार जैसे स्टेट के लिए। अब हमारे पास जो विकल्प है कि हम पैकेज के माध्यम से बिहार के अंदर विकास करें और बिहार के अंदर औद्योगिकरण वातावरण के साथ साथ हर क्षेत्र में हमारा विकसित बिहार का स्वरूप झलके। राबड़ी देवी इसे झुंझुना बता रही है, इस बजट को जो बिहार को मिला है। उन्हीं के पतिदेव कांग्रेस के साथ 10 साल सत्ता में थे, उसी समय समाप्त हुआ था। अरे इन लोग के करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है। सदन के अंदर कुछ करेंगे, रोड पर आकर के कुछ बोलेंगे। आज उन्हीं के कारण तो बिहार पिछड़ा है। बिहार की ये स्थिति के लिए वो कम जिम्मेवार नहीं है। पति पत्नी और उनके पुत्र की मानसिकता बिहार के विकास के लिए नहीं, सिर्फ राजनीति और सत्ता में पहुंचने और बैठने के लिए रहती है। आज विकास के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री जी ने जो दिया है, इनको धन्यवाद देना चाहिए कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार जिस उदारता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के मांग पर, मुख्यमंत्री जी को डबल इंजन की सरकार विकसित बिहार के लिए जो कदम बढ़ाया है, हर बिहारी को उसका हृदय से स्वागत करना चाहिए।